सो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के पहले स्टंट में ही श्वेता तिवारी हो गई फिनाले रेस से बाहर। आखिरकार क्या था स्टंट और क्या है पूरी खबर बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइस, आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के ग्रैंड फिनाले में एक से बढ़कर एक स्टंट्स किए गए, जहां पहला स्टंट था श्वेता तिवारी, विशाल आदित्य सिंह और अर्जुन बिजलानी के बीच। बेसिकली उस स्टंट में दो ट्रक्स थे और दो ट्रक्स के बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी। उस रस्सी पर चलकर बेसिकली फ्लैग्स निकालने थे और ऐसे में वो ट्रक्स बिल्कुल इक्वल बैलेंसिंग स्पीड पर चलना था, लेकिन अगर कोई उससे बैलेंस ना कर पे गिर जाता है तो फाइनली उस स्टंट से आउट हो जाएगा। ऐसे में फाइनली इन तीनों कंटेस्टेंट्स की बात करें तो विशाल और अर्जुन ने तो बहुत ही बखूबी से इस स्टंट को परफॉर्म करके आगे वाले स्टेप पहुँच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्वेता तिवारी इस स्टंट को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से श्वेता तिवारी फिनाले के रेस से हो गई बाहर और पहले ही स्टंट में एविक्शन के शिकार हो गए। तो बाकी बचे हुए यानी विशाल आदित्य सिंह और अर्जुन बिजलानी आगे स्टेप ऑन फॉरवर्ड हो चुके थे फिनाले के रेस में। तो ये थी पूरी खबर। आपको बता दूं कि श्वेता तिवारी ने काफ़ी अच्छी जर्नी की शानदार शुरुआत भी की थी, हमेशा से काफ़ी अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनाले के रेस में एंड मोमेंट तक आकर वो बाहर हो गई। इस खबर पर आपके क्या है रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।